आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स होते हैं, कार, स्कूटर, बस के पार्ट्स होते हैं, हाँ जी ठीक उसी तरह लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य आदि, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। देर आर 8 in number। लेट्स टेक वन बाय वन टू डिस्कस। सबसे पहले हम समझेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और विचार को ही नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है बॉय, गर्ल, रोहित, डेली, सिटी, विलेज, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी नाउन हैं। और इनका यूज कैसे होता है, वी विल लर्न थ्रू द एग्जाम्पल। अ बॉय इज ईटिंग अ मैंगो। सो इस सेंटेंस में हमने कितने वर्ड्स यूज किए हैं सेंटेंस को बनाने में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शब्दों का हमने यूज किया। और इन 6 शब्दों में नाउन कौन से हैं? ये बॉय और मैंगो, ये दोनों ही वर्ड्स हमारे नाउन है। टीना इज ए गुड गर्ल। मैं टीना के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि टीना कौन है, तो टीना के बारे में मैंने बताया टीना इज ए गुड गर्ल। तो ये जो टीना है जिसके बारे में बताया कि टीना एक अच्छी लड़की है, टीना नाउन है और यहाँ पर गर्ल ये भी नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माय फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पर्सन, फ्रेंड और दिल्ली, प्लेस, ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये दोनों ही नाउन हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आई, यू, मी, माई, वी, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। अ फ्रॉग जम्प्ड अराउंड इन अ फार्म हाउस व्हेन ही सॉ अ काउ, ही डिसाइडेड टू गेट अ क्लोजर लुक एट हर, सो ही जम्प्ड टूवर्ड्स हर। सो देखे ये जहां पर भी मैंने इनको कलर किया हुआ है, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन हैं। और इनका यूज अभी देखिए, अ फ्रॉग जम्प्ड अराउंड, फ्रॉग से सेंटेंस शुरू हुआ है, फ्रॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, छोटी सी स्टोरी फ्रॉग से रिलेटेड है। सो फ्रॉग के बारे में बताया गया कि एक जो फ्रॉग होता है वो फार्म हाउस के आसपास कूदता है। और फिर आगे क्या लिखा है, व्हेन ही सॉ, और जब उसने देखा, किसने देखा, फ्रॉग ने देखा, ही सॉ अ काउ, तो यहाँ पर फिर काउ क्या है, नाउन है। लेकिन इसके लिए फिर आगे हमें ही डिसाइडेड टू गेट, अब यहाँ पर ही कौन है, फ्रॉग है, ही डिसाइडेड टू गेट अ क्लोजर लुक एट हर, और ये हर कौन है यहाँ पर, ये काउ है। तो देखिए इन दोनों को एक बार इंट्रोड्यूस कराया गया है एज अ नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन का यूज किया गया है इनके बारे में बार बार बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये सो ही जम्प्ड टूवर्ड्स हर, सो यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, फ्रॉग के लिए यूज हुआ है। और उसके लिए यहाँ पर फिर काउ के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हर यूज हुआ है। सो इस तरह से स्टोरी में प्रोनाउन का बार बार यूज होता है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या होती है? ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस एनी एक्शन, कंडीशन, पोजिशन एंड पोजिशन। वर्ब क्या होती है? देखिए वर्ब वो होती है जो सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करती है, जिनसे हमें टाइम का पता चलता है कि वो काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो ये होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, और बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो मैंने यहाँ पर अभी लिखी नहीं है। और मेन वर्ब वॉक, टॉक, लाफ, स्लीप, ये तो एक्शन वर्ब होती हैं सारी, जिनसे हम ये पता चलता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। वॉक मतलब चलना होता है, टॉक बातें करना, लाफ हंसना। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई नेम इज तानिया वर्मा। अब देखिए इस सेंटेंस में जो ये इज लिखा हुआ है ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जिससे ये पता चलता है कि मेरा नाम तानिया वर्मा है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं माई नेम वॉज तानिया वर्मा, तो जो ये वॉज हो जाएगा यानी कि पास्ट को फिर आइडेंटिफाई करता है कि मेरा नाम तानिया वर्मा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना काम कर रही थी। देखिए यहाँ पर जो ये वॉज डूइंग है ये दोनों ही वर्ब हैं, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग जो है ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम,
आई स्टडी इन क्लास 9th. इस सेंटेंस में स्टडी वर्ब है क्योंकि इसी से पता चलता है कि काम क्या हो रहा है. आई स्टडी इन क्लास 9th. मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ. तो यहाँ पर पढ़ने का जो काम हो रहा है ये एक्शन वर्ब में आता है और ये जो पार्ट है वर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवर्ब. एडवर्ब क्या होती है? An adverb is word which is used to describe or modifies a verb, an adjective or another adjective. देखिए, adverb वो शब्द होते हैं जो किसी भी क्रिया को describe करते हैं. जैसे कि यहाँ पर कुछ words मैंने लिखे हैं जो adverb की category में आते हैं, जैसे कि here, there, purposely, fast, carefully, neatly, bitterly, स्लोली. तो जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही वर्ड्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए. तो अभी इनको कैसे यूज किया जाता है एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे देखिए, रौनक रन्स वेरी फास्ट. अगर मैं सिर्फ यहाँ तक बोलूं रौनक रन्स, तो यहाँ से पता चलता है कि रौनक दौड़ता है. लेकिन मैंने ये बताया कि वो दौड़ता कैसे है, धीरे दौड़ता है, तेज दौड़ता है. मैंने यहाँ पर लिखा है वेरी फास्ट. तो देखिए, जो वर्ब को, जो इस क्रिया को आइडेंटिफाई करे, जो इसको डिस्क्राइब करे, उसको ही एडवर्ब कहते हैं. वेरी और फास्ट, ये दोनों ही जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों ही एडवर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माय ब्रदर ड्राइव्स द कार केयरफुली. देखिए, यहाँ पर पूरे जो सेंटेंस में एडवर्ब जो है ये वाला वर्ड है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसी से पता चलता है कि मेरा भाई गाड़ी कैसे चलाता है. ड्राइव हो गई हमारी वर्ब. माय ब्रदर ड्राइव्स द कार केयरफुली, तो ध्यान से कार चलाता है, सावधानी पूर्वक. मेरा भाई सावधानी पूर्वक कार चलाता है. तो जो वर्ब को आइडेंटिफाई करे, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसी को ही हम एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. माय टीचर ऑलवेज सेज रीड द चैप्टर स्लोली. इस पूरे सेंटेंस में दो जगह एडवर्ब है. पहला तो ये यहाँ पर ऑलवेज, मेरी टीचर हमेशा कहती है, कहने को जो डिस्क्राइब किया है, कितना कहती है, हमेशा कहती है. सो यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब है. रीड द चैप्टर स्लोली, कि चैप्टर को कैसे पढ़ना है, चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ना है. तो ये जो वर्ड यहाँ पर हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर से, ये स्लोली, ये दोनों ही वर्ड्स एडवर्ब है. इस तरह से एडवर्ब इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट एडजेक्टिव. द वर्ड विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. वो शब्द जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं, उनको ही एडजेक्टिव कहते हैं. कैसे कैसे समझेंगे हम अभी देखिए. ब्यूटीफुल, अगली, न्यू, ओल्ड, ब्लू, बिग, जितने भी वर्ड्स हैं सभी क्या हैं, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव हैं. और इनका यूज कैसे होता है. रोहन इज अ गुड बॉय. कौन है गुड बॉय? रोहन. तो रोहन तो नाउन है, इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और बॉय ऑल्सो नाउन. तो यहाँ पर गुड क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की. और लड़का कौन है? रोहन. सो रोहन इज अ गुड बॉय. तो रोहन कैसा लड़का है? रोहन अच्छा लड़का है. और ये जो गुड है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. आई हैव अ स्मॉल बैग. मेरे पास बैग है. कैसा बैग है? छोटा बैग है, स्मॉल. तो जो बैग को, ये जो बैग लिखा है यहाँ पर, आई हैव अ स्मॉल बैग, तो ये जो बैग लिखा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ स्मॉल बैग. जो बैग को आइडेंटिफाई करे, जो बैग के बैग को डिस्क्राइब करे, वही वर्ड यहाँ पर कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव. ये स्मॉल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग अ रेड कार. कौन सी कार, कैसी कार, किस कलर की थी, रेड कलर की. तो जो ये रेड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है. क्योंकि यहाँ पर देखिए, विच डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उनके बारे में बताए, उसको ही एडजेक्टिव कहते हैं. नेक्स्ट हम समझेंगे अभी प्रपोजिशन. प्रपोजिशंस क्या होते हैं? द वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड ए प्रपोजिशन. वो शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ मिलके एक प्रॉपर वाक्य बनाए, उनको ही हम प्रपोजिशंस कहते हैं. एग्जाम्पल, इन, आउट, एट, ऑन, टू, बिसाइड, बिटवीन, अंडर. यहाँ पर मैंने कुछ जो वर्ड्स हैं जो प्रपोजिशन में होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. एग्जाम्पल में कैसे यूज होता है उनका, मैं अभी आपको समझाऊंगी. आई एम गोइंग टू ऑफिस. यहाँ पर जो ये वर्ड है,
जो दूसरे शब्दों से एक रिलेशन बनाता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ. तो ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है टू, दिस इज प्रिपोजिशन. माई पेन इज कैप्ड इन द बॉक्स. मेरा जो पेन है वो कहाँ पे रखा है? बॉक्स में रखा है. इससे इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि मेरा जो पेन है वो कहाँ पर है. माई पेन इज कैप्ड इन द बॉक्स. सो ये जो इन है ये क्या है? प्रिपोजिशन है. यू आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. ये जो वर्ड है यहाँ पर बिहाइंड, दिस इज ऑल्सो अ प्रिपोजिशन, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि तुम कहाँ पर छिपे हुए थे, तुम पेड़ के पीछे छिपे हुए थे. तो इस तरह से प्रिपोजिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. वॉट इज कंजक्शन? अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड अ कंजक्शन. देखिए, कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं. एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, और, नॉर, नाइदर, ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ये सभी कंजक्शंस होते हैं. और इनका यूज़ कैसे होता है एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, प्रिया एंड सपना आर फ्रेंड्स. देखिए, प्रिया और सपना ये दोनों ही अलग वर्ड्स हैं, दोनों ही अलग नाउन हैं, और इनको जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने किया है, इसीलिए ये जॉइनिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं. सो इस तरह से प्रिया एंड सपना आर फ्रेंड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, आई डू नॉट लाइक हर. मैं उसे पसंद नहीं करता या करती. बिकॉज, क्योंकि. शी इज़ एरोगेंट, क्योंकि वो घमंडी है. अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये दो सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं? आई डू नॉट लाइक हर, देन यहाँ पर फुल स्टॉप, उसके बाद शी इज़ एरोगेंट, और ये नेक्स्ट वाला सेंटेंस है. लेकिन मैंने एक ही सेंटेंस में इन ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया है, आई डू नॉट लाइक हर बिकॉज शी इज़ एरोगेंट. तो ये जो वर्ड है बिकॉज, इसने दोनों को जोड़ने का काम किया है, एक ब्रिज का काम करता है कंजक्शन. इस तरह से ये वर्ड्स यूज होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, आई बॉट एन अम्ब्रेला एंड अ बॉक्स. मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा एंड, और साथ में क्या खरीदा? अ बॉक्स, और एक बॉक्स भी खरीदा. इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरजेक्शन. देखिए, इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं? अ वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो, ग्रीटिंग्स, सरप्राइज, शॉक इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन. वो शब्द जो भावनाओं को, जो दुख को, जो खुशी को एक्सप्रेस करे, उन्हीं वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है. कौन से वर्ड्स होते हैं वो? वाओ, हर्ष, अलास, हुर्रे, ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ये सभी इंटरजेक्शन में होते हैं. एग्जाम्पल से समझेंगे, हेलो, नाइस टू मीट यू, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है हेलो, ये है इंटरजेक्शन. और हमेशा याद रखिए कि इस वर्ड्स को बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उसके बाद में जो लिखा जाता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. फॉर एग्जाम्पल, आपने रास्ते में कोई घर देखा, बहुत सुंदर सा घर, एकदम से आपने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ये जो वाओ है ये क्या है? इंटरजेक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ओह आई लॉस्ट माई फोन. अब ये क्या है यहाँ पर? दुखी हूँ मैं क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया है. ऑब्वियसली किसी का भी फ़ोन खोएगा तो वो दुखी तो होगा ही. ओह आई लॉस्ट माई फ़ोन, तो यहाँ पर ओ क्या है? इंटरजेक्शन है. इस तरह से ये वर्ड्स कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं. अब थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज कर लेते हैं. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपको पूरा मैं समझा चुकी हूँ, और यहाँ पर मैंने ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए हैं अलग अलग कलर में. आप सोच रहे होंगे ये सभी अलग अलग कलर में क्यों है, क्योंकि इनका सबका यूज़ मैंने इन दोनों सेंटेंसेस में किया है. और देखिए, यहाँ पर ये मैंने लिखा है, हेलो, आई एम नीलम ठाकुर एंड आई एम योर न्यू क्लास टीचर. लिसन टू मी केयरफुली वाइल लर्निंग इंग्लिश इन क्लास. अब देखिए, नाउन क्या है इसमें? जहाँ पर भी इस कलर के वर्ड यूज हुए हैं वो सभी वर्ड्स नाउन हैं. और प्रोनाउन आई, यहाँ पर योर, मी, बाकी आप खुद ही आइडेंटिफाई कीजिए. वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें देखिए कि किस तरह से ये वर्ड्स यूज हुए हैं, और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं, और इस तरह से इनका यूज होता है.